पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे सुधांशु जी महाराज का भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। सुधांशु महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जरूरत है अपने बच्चों के भविष्य को संवारने की। आज जो हम अपनी संतान को दे रहे हैं वही वो अपना रहे हैं। संस्कार के नाम पर हम सिर्फ उन्हें मोबाइल दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे में प्यार की भावना उत्पन्न ही नहीं हो रही। उन्होंने आगे कहा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये शरीर ठीक रहेगा तो आप भजन भी करेंगे और ईश्वर के साथ भी रहेंगे। आज के वक्त की चिंता करते हुए कहा कि मनुष्य में आज प्रेम की भावना समाप्त होती जा रही है। यदि प्रेम की भावना आपके अंदर जागृत है तो आप अपने परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि धन के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं कि अपने रिश्ते गंवा देते हैं, शरीर गंवा देते हैं, धन के लिए सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाते हैं, और जब धन कमा लेते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए धन कमाने का रास्ता बनाओ और ईश्वर की राह में रहकर उनसे मांगो। सुधांशु महाराज ने कहा कि बच्चों का विकास सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि परिवार के आंगन में भी है। परिवारों में बच्चे रहकर अपना भविष्य तय करते हैं। आज जरूरत है दादा दादी को अपने पोतों के साथ समय बिताने की। यदि आप अपने बच्चों के साथ हैं तो आपके बच्चे बुढ़ापे में आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही वो शक्ति है जो सबके साथ रहती है और सभी के बारे में सोचती है। जब नरकासुर ने 16,000 महिलाओं को बंदी बना लिया था और अपने कब्जे में रखा था, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके सभी को छुड़ाया था। जब सभी महिलाएं अपने घर पहुंची तो परिवार के लोगों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। परेशान सभी 16,000 महिलाओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और मार्गदर्शन का आग्रह किया। श्री कृष्ण भगवान ने सभी को आश्वस्त किया कि जब तक मैं हूँ आपके सम्मान को कोई भी ठेस नहीं पहुँचा सकता और मैं आपकी रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण भगवान ने सभी को मात्र संरक्षण दिया था, लेकिन आज उनके चरित्र पर ही लोगों ने उंगली उठा दी और आज कहते हैं कि कृष्ण भगवान की 16,000 रानियाँ थी। नहीं कोई कुछ भी हो तो फोन तो है ही, उसे खोल लेने का। ये जो कार्टून बनते हैं ना, जिसमें दिखाते हैं कि बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए घर में लोग पहुंचे हैं और बच्चा खड़ा केक काटने के लिए अकेला, और सब अपना अपना मोबाइल फोन देख रहे हैं, तो बच्चा सबको देख रहा है। ये आए किस लिए है? मोबाइल फोन देख रहे हैं। कोई किसी के साथ है ही नहीं। आज की दुनिया में इतना अकेला हो गया आदमी, और जिंदगी को हमने क्या बना लिया? अपनों के साथ बैठ के भी अपनों के साथ नहीं है, और ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। रात तक जो है मोबाइल फोन देख करके सो रहे हैं, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्वालिटी वाली नींद तो आती है। तो ये निवेदन पहले करूंगा कि आप अपने लिए समय निकालें, अपनों के लिए समय निकालें, फिर समय की कीमत भी समझ। अब अगली जरूरी बात, वैदिक संदेश है, तुम ही ना पिता वसो तुम माता शत्रो बहु पिता। बड़ा सुंदर संदेश है। अनेक अनेक धनों को देने वाले, हमें कीमती बनाने वाले,
हमारी जोलियां भरने वाले, सब कुछ देने वाले पिता परमात्मा तुम्हें हो, और हमारे लिए असंख्य कार्य करके हमारी जिंदगी को पालने वाली माँ भी तुम्हें हो। तो प्रभु अधाते सुमन में नहे, हम चाहते हैं आप अपने बच्चों पर सदा प्रसन्न रहे, हमें आपसे आपकी प्रसन्नता की चाह है। भगवान प्रसन्न है तो हमारे पास सब कुछ है ना, माँ बाप खुश हैं तो अपनी दौलत भी देंगे, जमीन देंगे, जायदाद देंगे, गाड़ी देंगे, रुपया पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, और नाराज हो जाए तो अखबार में विज्ञापन, इस बच्चे के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इसके ऊपर से अपना नाम भी हटा रहा हूँ। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर माँ बाप प्रसन्न है अपने आप देते हैं। भगवान को प्रसन्न करना सीख जाइए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब आप पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।